हेलो फ्रेंड्स, हम लोग जा रहे हैं इस समय बैराज ऋषिकेश में और अभी हम रास्ते में निकले हैं। हम लोग एक्टिवा पे मिलते हैं बैराज पहुँच के। हेलो जी, नमस्कार, हम हैं ऋषिकेश बैराज पे और ये है यहाँ का बैराज। ये देखिए गंगा जी, यहाँ तक नज़र जावे, गंगा जी गंगा जी। और इधर देखेंगे ये तो कुछ मशीनरी वगैरह लगी हुई हैं कि यहाँ पे कंट्रोल करने के लिए, वाटर को कंट्रोल करते हैं यहाँ पे कि ताकि आगे फ्लो कितना भेजना है कितना नहीं भेजना, तो उन सब चीज़ों का होता है। देखा बैराज, बाकी मिलते हैं आगे। बाकी मौसम काफ़ी अच्छा हो रखा है और यहाँ भी सारे बादल नीचे आए हुए हैं, जैसे हम बोलते हैं कार गप्पर। चलिए आगे मिलते हैं। इंसान का कर्म धर्म जो है, सबसे पहले इंसान की सेवा बताया गया है कि मतलब आप जो हो ना, सामने वाले के लिए अच्छा सोचो, अच्छा करो तो परमात्मा आपके साथ में हमेशा अच्छा ही करेगा। आप किसी के लिए गलत ना सोचो ना करो। चलो क्या हुआ, उन लोगों ने यहाँ फायदे उठाने शुरू करे कैसे करके, अब उन्होंने यहाँ पे होटल्स खोल दिए, सब कुछ ऐसे ऐसे करके, तो ये क्या, ये जगह बन गई टूरिस्ट प्लेस। अब टूरिस्ट प्लेस बनने के बाद क्या हुआ, इस जगह पे वातावरण चेंज होने लगा। यहाँ की जो एनर्जी गुरुओं ने करीब ने बनाई, वो एनर्जी होने लग गई यहाँ पे कम। अब वो गुरु लोग क्या करें, अब वो तो जहाँ जा रहे हैं उनकी तो एनर्जी वही है, समझ गए, पर वो यहाँ पे तपस्या करके यहाँ पे उन्होंने एक एनर्जी बनाई, उसको हम जैसे लोगों ने आकर के यहाँ पे बर्बाद कर दिया, जो मतलब टूरिस्ट आ रहे हैं यहाँ। हम आ गए हैं बैराज के रास्ते से, जो रास्ता नीलकंठ जाता है वहाँ पे। देखो जी, तो जो हमारे साधु संत हुआ करते थे वो ऐसे ही जंगलों में प्रकृति के बीच में रह करके तपस्याएं करा करते थे। सीरियसली मतलब डंप जिसे बोलते हैं ना लोग। तो ये है दीमक की बमी, दीमक का घर, इसको सांप की बमी भी बोलते हैं। सांप जो होता है दीमक खाने के लिए इसके अंदर घुस जाते हैं, जहाँ से भी जगह मिलती है, तो वो कंफर्ट जोन उनको बहुत अच्छा लगता है क्योंकि अंदर से ये बहुत अच्छे तरीके से बना हुआ होता है। इनकी भी वो क्या बोलते हैं उसको, लग्जूरियस लाइफ, सिविल इंजीनियरिंग इनकी बहुत ज़बरदस्त होती है। ये कितने सारे मशरूम्स जो हैं उसी सांप की बमी के ऊपर वहाँ पर उगे हुए हैं। अब भैया हम तो वहाँ पे जा नहीं रहे हैं क्योंकि बीच में खाई, वरना वहाँ पे चले भी जाते मेरे भाई। आजकल नमी का मौसम चल रहा है, बरसात चल रही है, काफ़ी टाइम से लंबी बरसात हो गई है, तो इसलिए लंबी बरसात के बाद ये मशरूम उगाए हैं। अब यहाँ के जंगली जानवर इनको खा लेंगे। और बाबू मोशाय, हम आपको एक बात बता दें कि मशरूम का दूसरा नाम कुकुरमुत्ता भी होता है। कुकुरमुत्ता। और मैं क्या जी, ये देखो जी ऊपर, यो है जंगली आंवला। और हमारी किस्मत बढ़िया है, इस पर लगे हुए भी हैं इस टाइम पे। इसको जंगली आंवला सिर्फ कहा जाता है पर इसके अंदर होता बहुत कुछ है और नॉर्मल आंवले से ज़्यादा होता है। तो हम तो भैया चले आंवला तोड़ने, आंवले के मजे लेने। गिरा रोड पे, गिरा। इनका टेस्ट ना थोड़ा क्या बोलते हैं उसको, कसैला, थोड़ा सा वो होता है, पर इतने उसके बाद जो मिठास आती है ना कुकू, और तूने पानी पी लिया ना उसके बाद तेरा मुंह ऐसा हो जाएगा, तूने क्या मिठी चीज खा ली होगी। ये ज्यादा मारता है वो वाले फ्लेवर ना, क्योंकि ये प्योर है, इसमें कोई हाईब्रिड स्लो ब्रीड कुछ नहीं है, ये मतलब प्राकृतिक है। छोड़ूंगा तो अभी भी नहीं, मैं लूंगा तो 3-4, मुझे मोटे मोटे दिख रहे हैं।
एक वो गिरा। अरे उनको जोड़े यार, इतने बढ़िया बढ़िया है दोनों। अब देख रुक भी नहीं रहे, बदतमीज कहीं गए। ये वाले ये नजर ही नहीं बिगड़ ले। तो अभी हम घूम रहे हैं ऋषिकेश की गलियों में। कहा जाता है कि भैया ढूंढने से भगवान भी मिल जाता है, तो यहाँ पे भगवान का वास ही बताया जाता है ऋषिकेश की गलियों में। तो लोग जो है काफी आते हैं यहाँ पे घूमने के लिए, भगवान की तलाश में या अपनी अंतरात्मा की तलाश में कि कोई तो मिले जो हमें उससे मिला दे। हम घूमते यार कहाँ आ गए, परमार्थ तो पीछे चला गया। हम लोग आगे आगे चले जा रहे हैं, परमात्मा चला गया पीछे। यहाँ भी है कोई, ये आ गया, सही जगह पहुँच गए, परमार्थ निकेतन पे पहुँच गए। आंटिया टक्कर मारती बहुत है यहाँ पे भयंकर। नीचे आरती वगैरह होती है, तो आरती हम आपको दिखाते हैं, अभी दिखाते हैं आरती वगैरह। ये है परमार्थ निकेतन, काफ़ी भीड़ भाड़, अभी आरती होनी है। ये है बजरंगबली जी, और बजरंगबली जी के अंदर देखो सिया और राम। जयकारे लग रहे हैं, जय घोष हो रही है सबके सब। ये देखो चारों तरफ भीड़ भीड़, बहुत ज्यादा भीड़ है, और लोग गंगा जी की आरती के लिए आए हुए। सफल हो, सबके जीवन में शांति हो, माँ गंगा के पावन प्रवाह की तरह हम सबके दिलों में देशभक्ति की गंगा बहती रहे। इसी के साथ आइए आज की संध्या को विराम। भारत माता की, गंगा मैया की। ज्योति से ज्योति जलाते चला, प्रेमी सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। संगी साथी ईश्वर है रखवाला,
हम खाने आए हैं वड़ा पाव। ये देखो मुंबई का मशहूर वड़ा पाव, देखते हैं ट्राई करके कैसा है क्या है। जो रही है तैयारी, बाकी आज आपने देख ही लिया होगा हम घूमे हैं परमात्म निकेतन वगैरह, और उन्होंने हमें कल फिर बुलाया है और कहा है कि भैया आप कल फिर आना, तो आपको कल का फिर दिखाएंगे कि कल क्या क्या होता है वहाँ पे। अगर टाइम मिला तो जाएंगे, क्योंकि कल हमारा तो थोड़ा सा प्लान अलग बना हुआ है फिलहाल, तो कि हम हाँ बारिश पे भी डिपेंड करता है। बाकी मेरा बड़ा पाव आ गया है देखने में, तो ठीक है खा के बताते हैं। कैसा है बोलोगे? और तो ठीक है, मुंबई वाले किधर है? और तो ठीक है। तो अब हम जा रहे हैं रूम पे, हम लोग खाना खाने के बाहर आए थे। सो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करिएगा, ठीक है? और मिलते हैं अब कल, बाय, गुड नाइट।